हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम फार्माकोकाइनेटिक्स का ओवरव्यू देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। अगर हमारी ड्रग ओरल रूट से दी गई है तो वो स्टमक में जाएगी, देन ड्यूडेनम में जाएगी। ड्यूडेनम क्या होती है? मेन साइट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। ये पीजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदर इट इज एसिडिक ड्रग और बेसिक ड्रग, ड्यूडेनम इज द मेन साइट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। देन एब्जॉर्प्शन होगा ड्यूडेनम से, जो हमारी ड्रग है वो ब्लड में जाएगी और कुछ पार्ट ऑफ द ड्रग हमारा एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है और बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। अब जो ड्रग है ब्लड में या तो फ्री फॉर्म में रहेगी या प्रोटीन बाउंड रहेगी। अगर प्रोटीन बाउंड रहती है तो उसको बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। देन फ्री ड्रग बॉडी से ब्लड से डिस्ट्रीब्यूट होगी टू द साइट ऑफ एक्शन, स्टोरेज टिश्यू एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो इस फिनोमिनन को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग और इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। अगर साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन और सिस्टमिक सर्कुलेशन से बीच में, एब्जॉर्प्शन से ब्लड के बीच में पहुंचने में अगर ड्रग का कहीं मेटाबॉलिज्म हो गया है तो उसको बोलेंगे हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। देन जो हमारी एक्सेस ड्रग होती है वो हमारी लिवर में जाती है। लिवर क्या होता है? मेन साइट फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म। देखिए हमारी मोस्ट ऑफ द ड्रग्स क्या होती है? लिपिड सॉल्युबल, और ड्रग को बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए ड्रग को वाटर सॉल्युबल होना पड़ेगा। तो ड्रग को मेटाबोलाइज करा जाता है, लिपिड सॉल्युबल से वाटर सॉल्युबल कन्वर्ट करते हैं। तो वो कहाँ पे मेन साइट फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या है? लिवर। तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबोलाइज ड्रग कहाँ जाती है? वापस ब्लड में जाती है। अब एक्सक्रीट करना है हमें ड्रग को तो वो जाएगी किडनी में, और किडनी क्या है? मेन साइट फॉर ड्रग एक्सक्रीशन। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स। अब देखिए फार्माको मतलब होता है ड्रग एंड काइनेटिक्स मतलब मूवमेंट। ड्रग का मूवमेंट इन द बॉडी इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक्स, और इसकी डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। देखिए बॉडी में ड्रग का एब्जॉर्प्शन हुआ, बॉडी में ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, बॉडी में ड्रग का मेटाबॉलिज्म हुआ और बॉडी से ड्रग एक्सक्रीट हो गए। तो अगर आपको किसी ड्रग का फार्माकोकाइनेटिक्स लिखना है तो उसको चार सब हेडिंग्स में लिखते हैं, दैट इज एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, और इसका निमोनिक है आदमी, ADME। सो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।